चलो आओ, मुंह दिखाई की रस्म मैं ही कर देती हूँ। हमने कहा ना थारे से कि हमने मन्नत मांगी हुई है, कहा है हमारे पीछे पड़े हो। अच्छा अच्छा सॉरी, नाराज मत होइए। छोड़िए ये सब, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ एक काम करो, तुम हमें अपनी लव स्टोरी बताओ, इश्क की कहानी। प्लीज तंग मत करो, सोने दो। ढोलू भी ना, अब तक तो गुंजन ने मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन दुरुस्त है। मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा था और तुम होके, अरे यहाँ क्या कर रही हो? जी वो क्या है जी कि बहुत आंधी तूफान चल रहा था ना, तो मारे को लगा कि खिड़की दरवाजे बंद कर देते, पहले घर में आग लगने का हादसा हो चुका है, मारे को लगा कि कोई और उछनीच ना हो जावे। लेकिन मैं था ना यहाँ पे। ठाकुर जी का लग लग चुका है कि किसी ने मारे को ऐसे ना देखी हो, कहीं विक्रम जी हमें ऐसे देख लेते तो प्रलय आ जाता। दिखा था ना थोड़ी देर पहले कि कैसे उन्हें गुस्से के दौरे पड़ते हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके सोचो।
विक्रम भैया, ये आपने सही नहीं किया। देखो जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। ओके देखो मैं यहाँ पे था, मुझे पता भी नहीं था। और मिट्टू प्लीज कम ऑन, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जानता हूँ कि आपने किया है। कम ऑन विक्रम, जस्ट डोंट बी मैड प्लीज। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगा? प्लीज कम ऑन, छोड़ो मुझे, पागल मत बनो। छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं ना आपको। विक्रम कम ऑन, छोड़ो मुझे, खुशी के लिए छोड़ दीजिए। हरी कुमारी का समय, हरी कुमारी का समय। हरी कुमारी का हरी मिठू बिल्कुल ठीक है, हरे पास है। एक लंबा सांस लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। कुछ ना हुआ हमको, कुछ ना हुआ। वो तो एक हादसा हो गया था, हमारा पल्लू ऐसा फंसो और बहन जी फिसल गए। ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र, हम दोनों में से किसी को चोट ना आई, कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? ठहरे होते हमारे को कुछ ना हो गए, कुछ ना हो सकते। सच बोलो। हरी कसम हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आप जाके सो जाइए, ठीक है? हम कल बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट मैं। माफ करना भैया, आपको लगी तो नहीं। सॉरी भैया, मैं मिट्टू के लिए बहुत पॉसेसिव हूं। जब भी किसी पराये मर्द को उसके पास देखता हूं या कोई से चोट पहुंचाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। जबकि मैं जानता हूं कि वो मेरे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। प्लीज भैया, अगली बार ध्यान रखिएगा। सॉरी सॉरी अगेन। ओके विक्रम, प्लीज कम ऑन, रिलैक्स, जाओ आराम करो। आप भी थक गए होंगे, चलो। ये भी अजीब है, अभी तो मारने को तैयार था और अब पहले उठ गई। मैंने सोचा था कि पहले उठ के उसका चेहरा देख लूंगी। सच, हमने भी यही सोचा था, लेकिन बड़ा मुश्किल है। डोलू ने भी ट्राई किया। क्यों डोलू? हाँ, वैसे तुम्हें क्यों उसका चेहरा देखना है? क्योंकि वो हमें थोड़ा अजीब दिखती है। करेक्ट, मुझे भी अजीब लगती है। हमें भी। वैसे ये अजीब लड़की सुबह सुबह चली कहाँ गई? किचन में चाय नाश्ता बना रही है। आई हैव एन आइडिया। ओके ओके, जाओ डोलो। मिठू भाभी, हम भी आपकी मदद करें। ना जी, तुम मदद कम नुकसान ज्यादा करोगे। ठीक है, आपकी मर्जी। Thank you.
पीछे पड़े हुए हैं। हमने कहा ना कि जब तक हमारी मन्नत पूरी ना हो जाएगी हम अपना चेहरा किसी को ना दिखावेंगे, लेकिन हमें तो लगता कि इस घर में कोई ना चाहे कि हमारी मन्नत पूरी हो। सब हम विक्रम जी की सेहत और संयम के लिए कर रहे हैं। देखा ना आपने कैसे उन्हें गुस्से के दौरे पड़ते हैं। क्यों हमारी मन्नत तोड़वा के शादी में बाधा डाल रहे हैं जी? ऐसी कोई बात नहीं मिठू, आई एम सो सॉरी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम तुम्हारी मन्नत की बहुत इज्जत करते हैं, बस हम सब जानते हैं कौन कितनी इज्जत करता है। नहीं नहीं भाभी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। वो हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हमें ऐसा कोई नहीं करेगा, सच। सुना ना मिठू दीदी ने क्या कहा? लेकिन हमें उनका चेहरा देखकर ही रहना है। गलत बात डोलू, अब से नो शैतानी। ये डोलू भी ना बहुत बदमाश हो गया। अरे वाह, पनीर के पराठे, हलवा मेरी फेवरेट चटनी, वाह ये तो। ये क्या? कल रात के लिए सॉरी। ये गुंजन मीना, ये नहीं जानती कल रात को उसके ना आने से मेरा क्या होने वाला था। पराठे खाते। क्यों भैया, नाश्ता कैसा है? लाजवाब, मैं तो बहुत लकी हूँ। और मैं भी, पता है आपको, रोज सुबह मेरे उठने से पहले मिट्ठू मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार रखती है। मेरी गुंजन भी ना मुझे कभी कभी मजेदार और ऐसे टेस्टी सरप्राइजेस दे देती है। लेकिन भैया इतना टेस्टी, इतना मजेदार। क्यों नहीं? लेकिन भैया ये हलवा और ये चटनी मिट्ठू की द बेस्ट है, एकदम हटके। ये मिठू ने बनाया? हाँ, एक्चुअली वो मेरे लिए लाई थी और मैंने अपना नाश्ता कर लिया, तो फिर आप भी यहीं थे तो आपके लिए ले आई। क्यों? अरे भैया संभाल कर। मिठू सब ठीक है ना? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। मिठू भैया को पानी दो, उनको चटनी तीखी लगी है। बस बस मैं सुबह सुबह इतना ही खाता हूँ। थैंक यू। अरे
अरे मिठू कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब सफा चट कर जाऊंगा। अरे एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि विक्रम मुझे मार ही डालेगा। मतलब इतनी शांत नेचर का बंदा एकदम बदला लेने के मूड में, मैं तो डर ही गया था। हेलो गुंजन, अब तुम्हें क्या हो गया? मैं अगर विक्रम की जगह होती ना तो तुम्हें जरूर मारती। तुम एक लड़की पे गिर गए और फिर उससे चिपके रहे, और मैं सबको नॉर्मल समझूं, एक्सीडेंट मानूं, नॉट डन मैन। कैसे, क्या कैसे गुंजन? अभी तो समझाया कि ये एक एक्सीडेंट था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मयंक। अरे गुंजन, बहुत दुख हुआ ये सब कुछ जानकर मयंक। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। हाँ गुंजन, ये सब तुम क्या कह रही हो? अरे गुंजन बात तो सुन, गुंजन मेरी बात। हेलो मिस गर्ग, मुझे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्ट नॉट डन। एक्सक्यूज मी? नो एक्सक्यूजेस एंड नो सॉरी। मेरी वोकैबुलरी में ये वर्ड शामिल नहीं है। अब यूर इस वक्त मेरे होम स्टूडियो पहुंचो। कम ऑन क्विक, कॉरेज। अजीब है, आज संडे और फिर भी काम पे बुला रहे हैं। जिन्हें टाइम की वैल्यू समझ में नहीं आती है उनके लिए मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं। नो 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 मिस्टर बसु, अगर आप मुझे आज डिलीवरी नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, एंड दैट्स फाइनल। ये कोई टाइम है आने का? अब सॉरी केटी, हमने सोचा कि वो। सोचो मत, काम करो। कम हियर। मुझे इस डिजाइन के लिए जरी का बनारसी स्टोल चाहिए, आज अभी और इसी वक्त। आज अभी? तुम्हें सुनाई कम देता है या समझ देर से आता है? लेकिन केटी आज। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मुझे आज इसका स्टोल चाहिए। 2 घंटे के अंदर मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन है। आज तो संडे, आज दुकानें तो बंद होंगी। व्हाट? गो गेट इट। ठीक है हम जा रहे हैं। अरे दादी, अरे रचना बेटी तुम कब आए? बस अभी। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ये नन्हे का शौक एक तिल का ताड़ बना देता। अब सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट बाकी है। गुंजन तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ? कम ऑन गुंजन जवाब दो। गुंजन मेरी तरफ देखो और जवाब। क्या कर रहे हो मैं? छोड़ो कोई देख लेगा। फर्स्ट यू टेल कि तुम्हें मुझ पे यकीन है कि नहीं। मैंने तो सिर्फ करती हूँ बाबा, मुझसे ज्यादा मुझे तुम पर यकीन है। सच ना? मानना है तो मानो, नहीं तो। नहीं तो क्या, तुम मुझ पे यकीन नहीं करती हो? हाँ प्यार करता हूँ तुमसे, बोलो तो डेमो दिखाऊं।